वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली गरम तारे पर रिलीज हुई एक तेलुगु थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है वधू, इसका मतलब है दुल्हन। सीरीज में अभिका कौर लीडिंग रोल पर है। सीरीज में काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। समझ में नहीं आता कि आखिरकार कहानी में क्या चल रहा है। ओवरऑल से 7 एपिसोड्स है। एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन बस 20 मिनट के आसपास है। कुल मिला के होल वेब सीरीज 2.5 घंटे के आसपास है बस, तो इसीलिए एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा मैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही किसी घर में शादी हो रही होती है। थोड़ी देर के बाद दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। उसके बाद दुल्हन का चाचा दुल्हन के फादर को साइड में बुलाकर कहने लगता है कि भैया ये शादी नहीं हो सकती। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है, तो घर वाले सारे मिलकर दुल्हन इंदु के पास जाकर यही बात कहने लगते हैं कि बेटा ये शादी नहीं होगी। अब वो भागी हुई लड़की कौन है हमको बाद में पता चलेगा। उसके बाद सीन एक साल के बाद शिफ्ट होता है। दोबारा इंदु की शादी होने वाली होती है। शादी के काम करते हुए इंदु की माँ कहने लगती है, अगर इसकी शादी दोबारा रुक गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इस तरह से थोड़ा घबराई सी होती है। इंदु भी थोड़ा खुश नजर नहीं आती। उसके बाद दूसरी तरफ दूल्हे राजा आनंद के घर को दिखाया जाता है। इसकी भी बहुत बड़ी फैमिली होती है, मतलब इसका छोटा भाई, अंकल, आंटी, इसकी माँ, आंटी की बेटी पद्मा, इसकी बहन, इसका जीजा, इस तरह से बहुत बड़ी फैमिली होती है आनंद की। और यहाँ पर बात यह है कि आनंद की कजिन पद्मा की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती। जब वो सही थी इसकी शादी हो गई थी, लेकिन अपने पति से जुदा होकर वापस अपने मायके आ गई। पद्मा की ईशु नाम की एक छोटी बच्ची भी होती है। जब आनंद की फैमिली वाले शादी के कामों में बहुत बिजी होते हैं, तभी पद्मा जोर से चिल्लाने लगती है। जब सारे लोग आंगन में जाते हैं तो पद्मा की उंगली में सुई चुभी होती है, मतलब पद्मा किसी सुई से खेल रही थी, वो इसकी उंगली में चुभ गई। आनंद की माँ पद्मा को बहुत डांटने लगती है। ऑलरेडी आनंद की माँ पद्मा से बहुत नफरत करती रहती है। गुस्से में कहने लगती है कि आखिरकार इस पागल लड़की को बाहर किसने लाया। इस तरह से पद्मा के माँ बाप को भी डांटने लगती है। खैर, आनंद के छोटे भाई का नाम होता है आर्या और उसकी बहन का नाम होता है स्नेहा। आनंद की माँ इन दोनों से कहने लगती है कि आप दोनों दुल्हन के घर जाकर साड़ी देकर आओ। दूसरी तरफ इंदु रेडी होते हुए अपने माँ बाप से ये पूछने लगती है, क्या भानु भी शादी को आएगी। इंदु की दादी कहने लगती है, अब उसका नाम तुमने क्यों लिया, वो क्यों आएगी तुम्हारी शादी को। यही पर हमको ये बात पता चलती है कि एक साल पहले जो लड़की भागी थी वो इंदु की बहन भानु थी, जो इंदु के होने वाले हस्बैंड के साथ भागी थी। मतलब इस तरह से पहली बार इंदु की शादी रुक गई थी, इसलिए इंदु के माँ बाप इस बार भी डरते रहते हैं। खैर, थोड़ी देर के बाद आर्या और स्नेहा इंदु के घर आकर इंदु के माँ बाप को कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने लगते हैं। अब इन्हीं तोहफे में एक फनस भी होता है, मतलब जैकफ्रूट। शॉकिंग बात यह है कि इस जैकफ्रूट को किसी ने सुई से सिया होता है। ये बात इंदु की पेरेंट्स को थोड़ी वियर्ड लगती है। जब इस जैकफ्रूट को ओपन किया जाता है तो उसके अंदर एक पत्ता होता है। इस पत्ते को रखकर किसी ने इस जैकफ्रूट को सिया होता है। इंदु के पेरेंट्स यही सोचने लगते हैं कि शायद ये कोई उनका रिचुअल होगा, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए इंदु का फादर आनंद की माँ को कॉल करके इसी के बारे में पूछने लगता है। आनंद की माँ ब्रह्मरामबा भी शॉक में रह जाती है कि ऐसा किसने किया। अच्छा ठीक है, आप उस फनस को साइड में फेंक दीजिए, मैं आपको दूसरा भिजवाती हूँ। उसके बाद आनंद की माँ अपने सारी फैमिली वालों को इकट्ठा करके इसी के बारे में पूछने लगती है कि कोई मेरे बेटे की शादी रोकना चाहता है। और इसी बातों ही बातों में आनंद की माँ का शक पद्मा पर जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले पद्मा के हाथ में सुई थी ना। यही सोचने लगती है कि पद्मा ने ही ये कांड किया। पद्मा को बहुत मारने पीटने लगती है। तभी आर्या अपनी माँ को रोकते हुए कहने लगता है, अरे माँ तुम खुद ही सोचो, दीदी के हाथ में जो सुई थी क्या उससे जैकफ्रूट को सिया जा सकता है। वो तो बस एक छोटी सी सुई है, वो काम किसने किया मैं पता करता हूँ, तुम शादी के काम देखो। दूसरी तरफ जब इंदु के घर में काम करने वाला बंदा जैकफ्रूट को फेंकने के लिए बाहर ले जा रहा होता है, तभी उस जैकफ्रूट को इंदु देखकर उसे रोककर उस पत्ते को देखने लगती है। अपने दादी के पास ले जाकर बताने लगती है कि दादी ये क्या पत्ता है। गौर से देखने के बाद इसकी दादी इंदु को डांटने लगती है, छी छी ये पत्ता तुमको कहाँ से मिला, इसे फौरन बाहर फेंक दो, ये पत्ता बहुत ही जहरीला है। खैर, थोड़ी देर के बाद भानु संजय के साथ अपनी बहन की शादी पर आने लगती है। संजय को शादी पर जाना मंजूर नहीं होता, लेकिन भानु जबरदस्ती संजय को लेकर इंदु की शादी पर आने लगती है। दूसरी तरफ आनंद की फैमिली वाले शादी पर जाने लगते हैं। तभी आर्या अपनी आंटी के पास आकर कहने लगता है, आंटी आप भी आओ ना शादी पर। आर्या की आंटी कहने लगती है, नहीं बेटा हम नहीं आएंगे, आप लोग ही जाओ, अगर वहाँ पर कुछ हुआ तो सारा इल्जाम मेरी बेटी पर ही आएगा। उसके बाद आर्या पूछने लगता है, क्या हमारे घर आज कोई नया बंदा आया था, क्या वैष्णवी यहाँ पर आई थी। आर्या की आंटी पूछने लगती है,
क्या तुमने अभी तक वैष्णवी को नहीं भूले? आर्या कुछ भी जवाब ना देते हुए वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ भानु अपने घर आकर सारे लोगों से हंसते खेलते हुए बात करने लगती है, जैसा लगता हो कि पास्ट में कुछ भी नहीं हुआ हो। लेकिन सारे घर वाले भानु पर अभी भी गुस्सा होते हैं। कोई भी भानु से ढंग से बात ही नहीं करता और ये भी सोचकर शौक में रह जाते हैं कि भानु को किसने शादी पर बुलाया। दूसरे सीन में स्नेहा के हस्बैंड बाजीराव को दिखाया जाता है। बाजीराव की गंदी नज़र हर एक औरत पर होती है। वो किसी बस में चढ़कर किसी औरत की कमर पकड़ने पर सारे बस वाले बाजीराव को बस से धक्का दे देते हैं। आप बाजीराव के बारे में बात करें तो ये कुछ भी काम धंधा ही नहीं करता, अपने ससुराल में बैठा होता है। हमेशा अपनी वाइफ स्नेहा से यही शिकायत करते रहता है कि तुम्हारी माँ से कहो कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दे, मैं मेरा हिस्सा लेकर चले जाऊंगा। तो प्रॉपर्टी का बंटवारे का ही इंतजार करते रहता है। दूसरे सीन में दूल्हे राजा आनंद को दिखाया जाता है। आनंद अपने भाई आर्या से कहने लगता है कि मुझे डर है कि पहले की तरह ये शादी भी ना रुक जाए। खैर फाइनली रात होने के बाद आनंद मंडप में बैठा होता है। तभी इंदु के माँ बाप को ये बात पता चलती है कि इंदु नजर नहीं आ रही। घर वाले चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। जब ये बात आर्या को पता चलती है, आर्या भी इंदु को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। इसी दरमियान में आर्या घर के पीछे स्टोर रूम में जाकर दरवाजा ओपन करने पर उस कमरे में इंदु मौजूद होती है, मतलब किसी ने इंदु को इस कमरे में लॉक किया होता है। दूसरी तरफ पद्मा की माँ जब पद्मा को खाना खिलाने लगती है, पद्मा अपनी माँ से कहने लगती है कि ये शादी नहीं होना चाहिए माँ, अगर शादी हो गई तो उस लड़की के साथ भी ऐसा ही होगा जैसे वैष्णवी के साथ हुआ। इस तरफ जब आनंद इंदु के गले में मंगलसूत्र पहना रहा होता है तो इंदु भानु के हस्बैंड संजय को ही देखती रहती है। अब ये चीज आनंद भी ऑब्जर्व करने लगता है। मंगलसूत्र पहनाने के बाद आनंद आर्या से पूछने लगता है। आर्या कहने लगता है अरे भाई तुम फिक्र मत करो, भाभी बस कैजुअल से दिखी होगी। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर इंदु स्टोर रूम में लॉक हुई थी। आर्या पूछने लगता है कि आप यहाँ पर कैसे? इंदु जवाब देने लगती है कि किसी ने मुझे चिट्ठी भेजी थी कि यहाँ पर वेट करने के लिए कहा, तो उन्होंने ही मुझे यहाँ पर लॉक कर दिया। और वैसे भी आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? आर्या जवाब देने लगता है कि मैं हर जगह पर तलाश कर रहा था तो आप यहाँ पर मिल गई। प्रेजेंट डे पर जब सारे लोग फोटो खिंचवा रहे होते हैं, उसी वक्त भानु संजय के साथ स्टेज पर आकर संजय को इंदु के बगल में खड़ा करने लगती है। कहने लगती है अरे संजय वैसे भी आप दीदी की जिंदगी में नहीं रहे तो फोटो में तो बगल में रहो। यह सुनने के बाद आनंद का शक और दुगना होने लगता है। सोचने लगता है कि भानु ने ऐसा क्यों कहा, इंदु और संजय का क्या चल रहा है। दूसरी तरफ जब पद्मा अपने कमरे में सो रही होती है तो बाजीराव उस कमरे से गुजरते हुए पद्मा को गंदी नजरों से देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद इंदु को अपने कमरे के बाहर किसी लड़की की परछाई नजर आने पर इंदु अपने कमरे से बाहर जाती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। उसी जगह पर आर्या भी होता है। इंदु आर्या से यही बात कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर किसी को देखा। इस तरह से जब ये दोनों ढूंढ रहे होते हैं तभी इंदु के पैर में एक बड़ी वाली सुई चुभ जाती है। इस सुई को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर यहाँ पर रखा है। और इसी तरह घर का पीछे का गेट खुला हुआ होता है। आर्या सोचने लगता है कि इतनी रात को ये गेट किसने ओपन किया होगा। हर सुबह होने के बाद आनंद की माँ अपने सारे फैमिली वालों को इकट्ठा करके कहने लगती है कि थोड़ी देर बाद दुल्हन हमारे घर को आने वाली है। पास्ट में हमारे घर में जो कुछ भी हुआ वो हमारी बहू को नहीं पता चलना चाहिए, कोई भी इसका जिक्र भी मत उठाना। दूसरी तरफ इंदु के घर में इंदु के माँ बाप भानु के बैग में इनविटेशन कार्ड देखते हैं, मतलब किसी ने शादी पर भानु को इनविटेशन कार्ड भेजा इसलिए भानु संजय के साथ यहाँ पर आई। इंदु का फादर और मदर यही सोचने लगते हैं कि इस कार्ड को किसने भेजा, ये हैंड राइटिंग किसकी है। उसी वक्त इंदु को एक पार्सल आता है और ओपन करने पर इस गिफ्ट बॉक्स में एक बड़ी वाली सुई होती है। जब इंदु इस सुई की स्मेल सूंघने लगती है तो जैकफ्रूट की स्मेल आने लगती है। इंदु अंदाजा लगा लेती है कि इसी सुई से जैकफ्रूट को सिया होगा। थोड़ी देर के बाद जब इंदु अपने कमरे में कपड़े बदल रही होती है तभी अचानक से संजय यहाँ पर आता है। इंदु से कहने लगता है कि उस दिन मैं शादी से भाग गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तुम भानु से थोड़ा बच के रहो। जब से मैंने उसके साथ शादी की उसने मेरा जीना हराम कर दिया, लेकिन इंदु मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। इस तरह से संजय इंदु के हाथ पकड़ने लगता है। उसी वक्त आर्या इंदु के कमरे में आकर इन दोनों को एक साथ देख लेता है। कहने लगता है कि सॉरी मैं बिना नॉक किए आया। इस तरह से उस कमरे से बाहर जाने लगता है तो नीचे आर्या को भानु नजर आती है, अपने पति को ढूंढ रही होती है। आर्या जानबूझकर भानु से कहने लगता है अरे मैंने अभी अभी तुम्हारे पति को
इंदु के कमरे में देखा। गुस्से में आकर भानु फटाफट से इंदु के पास जाकर उसे बहुत डांटने लगती है कि तुम बचपन से ही ऐसे ही हो, मेरी सारी चीजें छीन लेती हो, सारे लोग तुमको ही पसंद करते हैं, अब तुम मेरे हस्बैंड को भी हासिल करना चाहती हो। खैर थोड़ी देर के बाद इंदु अपने ससुराल जाने लगती है। बहू के स्वागत के लिए आनंद की माँ एक बर्तन में लाल कलर का पानी रखती है। जब इंदु इस बर्तन में अपना पैर रखती है तो इसको बहुत जलने लगता है। उसी वक्त पद्मा चीखते चिल्लाते हुए इंदु से कहने लगती है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इस घर में मत आओ, वापस चली जाओ, वापस चली जाओ, ये लोग तुमको मार देंगे। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब पद्मा की नई नई शादी हुई थी तो पद्मा अपने ससुराल में कोई चीज देखकर बहुत डरने लगी, कहने लगती है कि मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। उसी वक्त आनंद और आर्या पद्मा के सामने आकर कहने लगते हैं, अगर तुम वापस हमारे घर आ गई तो तुमको दोबारा उसी स्टोर रूम में बंद कर दिया जाएगा, और स्टोर रूम में क्या चलता है तुमको पता है ना। खैर प्रेजेंट डे पर इंदु स्नेहा से पूछने लगती है कि वो लड़की कौन थी जो चिल्ला रही थी। स्नेहा बताने लगती है कि वो मेरी आंटी की बेटी पद्मा है, उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं, आप उसकी बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए। उसके बाद स्नेहा कहने लगती है कि मेरे भाई आनंद को बहुत गुस्सा आता है, उसको जब भी गुस्सा आता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इंदु पूछने लगती है लास्ट टाइम तुम्हारे भाई ने कब गुस्सा किया था, तो स्नेहा जो हुआ वो याद करने लगती है। कुछ महीनों पहले सारी फैमिली वाले आर्या की वाइफ को बहुत डांटने लगे थे, और आनंद भी बहुत गुस्सा करने लगता है कि इसकी वजह से हमारी फैमिली की इज्जत बदनाम हो सकती है, क्या तुम इसको अपने हाथों से बाहर ढकलोगे या मैं खुद तुम्हारी बीवी को मार दूं। इस तरह से स्नेहा याद करती है, इंदु को नहीं बताती। दूसरी तरफ आनंद की माँ पद्मा के माँ बाप को बहुत डांटने लगती है, अगर ये ऐसे ही चिल्लाती रहेगी तो हमारी बहू को सब कुछ पता लग जाएगा, इसको यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, घर के पीछे जो स्टोर रूम है ना वहाँ पर बंद कर दो इसको। दूसरी तरफ इंदु वो बर्तन मंगवाती है जिसमें इसने पैर रखा था, तो इस बर्तन को चेक करने पर इसको ये बात पता चलती है कि इस बर्तन में किसी ने मिर्च मिलाई थी, इसीलिए इंदु का पैर जला था। इंदु का पैर ऑलरेडी जख्मी हुआ था ना, सुई चुभी थी इसके पैर को, मतलब यहाँ पर इंदु बहुत ही स्मार्ट होती है। उसके बाद इंदु के फोन को एक अननोन नंबर से वॉइस मैसेज आता है। मैसेज भेजने वाला संजय होता है, कहने लगता है कि भानु को हम दोनों पर शक हो गया है, तुम थोड़ा उससे बचकर रहो। जब इंदु इस मैसेज को सुन रही होती है, आर्या दोबारा बिना नॉक किए इंदु के कमरे में आता है, मतलब वो मैसेज ये भी सुनने लगता है। उसके बाद आर्या अपने भाई आनंद के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि भाई मुझे शक है कि भाभी और संजय के बीच कुछ चल रहा है, और भानु ने मुझसे कहा था कि वो आपसे कुछ बात करना चाहती है, तो आनंद का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद इंदु के पास जाकर इनडायरेक्टली संजय के बारे में पूछने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इंदु कुछ जवाब नहीं देती। खैर उसके बाद स्नेहा इंदु के कमरे में सोने लगती है, क्योंकि अभी तक सुहागरात का मुहूर्त नहीं निकला। इसी दरमियान में स्नेहा को उसका हस्बैंड बाजीराव बार बार कॉल करने लगता है। स्नेहा अपना फोन काटने लगती है। इंदु कहने लगती है, स्नेहा आप जाइए, मैं यहाँ पर अकेले ही सो जाऊंगी, आपकी माँ को मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन स्नेहा इंदु के पास ही सोने लगती है। एक्चुअली जब स्नेहा इंदु के कमरे में जाने वाली थी तो बाजीराव स्नेहा से कहा था कि तुम फटाफट से जल्दी वापस मेरे कमरे में आ जाओ। यही पर एक और बात भी पता चलती है कि बाजीराव दूसरी औरत को इमेजिनेशन करते हुए स्नेहा के साथ काम करते रहता है, इसीलिए स्नेहा मौके का फायदा उठाकर अपने कमरे में नहीं जाती, इंदु के पास ही सोने लगती है। दूसरी तरफ आनंद को भी एक अननोन नंबर से बार बार कॉल्स आने लगता है। आनंद उस नंबर को पिक करता है, लेकिन कोई भी उस तरफ से बात ही नहीं करता। आर्या आनंद के पास आकर कहने लगता है कि भाई मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी सारे दरवाजे बंद करके सो जाइए। इस तरह से जब घर के सारे लोग सो रहे होते हैं तो तभी इंदु को कुछ आवाजें आने लगती है। इंदु अपने कमरे से बाहर जाकर यहाँ वहाँ पर तलाश करती रहती है। उसी तरह पद्मा के कमरे में भी जाती है, वही स्टोर रूम में। बेचारी पद्मा इंदु को देखकर बहुत डरने लगती है कि प्लीज मुझे कुछ मत करो, प्लीज मुझे कुछ मत करो, इस तरह से अपने कपड़े समेटने लगती है। ऐसे ही चिल्लाते हुए बेचारी बेहोश भी हो जाती है। उसी वक्त इंदु के कमरे में स्नेहा जोर से चिल्लाने लगती है। स्नेहा की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले स्नेहा के पास आते हैं। स्नेहा घबराते हुए कहने लगती है कि कोई मेरे पास आकर मुझे मारने की कोशिश की। तभी इंदु भी अपने कमरे में वापस आने लगती है। ये देखकर आनंद पूछने लगता है कि इतनी रात को तुम अपने कमरे से बाहर क्यों गई, किससे मिलने के लिए गई। इंदु यही जवाब देने लगती है कि मुझे ऐसा लगा कि कोई इस घर में आया है, यही चक्कर करने के लिए मैं अपने कमरे से बाहर गई। आनंद यही कहने लगता है कि सारे दरवाजे गेट्स बंद है तो कोई स्ट्रेंजर हमारे घर में कैसे अंदर आ सकता है। उसके बाद बाजीराव आनंद और आर्या से कहने लगता है कि एक्चुअली वो कमरा इंदु का है, और इंदु के कमरे में स्नेहा सो रही थी,
जो कोई भी आया था वो इंदु को मारने के लिए आया था। गलती से स्नेहा को मारने की कोशिश की। हर सुबह होने के बाद इंदु को उसकी माँ कॉल करने लगती है, हाल चाल पूछने लगती है। इसी तरह ये भी कहने लगती है कि कल रात भानु अपने हस्बैंड से झगड़ा करके घर से बाहर चली गई, शायद वो अपने फ्रेंड्स के घर गई होगी। ये सुनने के बाद इंदु भानु पर शक करने लगती है कि शायद रात को जो घर में आया था वो भानु हो सकती है, शक में आकर मुझे मारने के लिए आई थी। उसके बाद इंदु आर्या के पास जाकर पूछने लगती है कि कल रात ड्राइंग रूम में लाइट जल रही थी, जिसका मतलब ड्राइंग रूम में जो था उसी ने उस अनजान बंदे की मदद की घर में आने के लिए। आर्या सोचने लगता है कि कल रात ड्राइंग रूम में आनंद ही सोया था, तो यही बात आर्या अपने भाई आनंद से पूछने लगता है। लेकिन आनंद इंदु पर ही शक करने लगता है कि वो फिजूल की बातें कर रही है, वो किसी से मिलने के लिए अपने कमरे से बाहर गई होगी, खामखा मुझ पर इल्जाम थोप रही है और तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो। थोड़ी देर के बाद इंदु काम करते समय काम वाली भाई से ये पता चलता है कि आर्या की ऑलरेडी वैष्णवी नाम की लड़की से शादी हुई थी। ये सुनने के बाद इंदु शॉक में रह जाती है, क्योंकि इंदु को आर्या के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इंदु उस काम वाली भाई से वैष्णवी के बारे में पूछने लगती है कि वैष्णवी मैडम बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन पता नहीं किसी से अफेयर रखकर प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए एक महीने पहले ही सारे घर वालों ने मिलकर वैष्णवी को अपने घर से बाहर ढकेल दिया। उसके बाद बाजीराव इंदु के पास आकर कहने लगता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, अगर हम दोनों एक टीम बन जाए तो हम दोनों ये पता कर सकते हैं कि कल रात तुम पर किसने अटैक करने की कोशिश की। लेकिन इंदु बाजीराव को भाव ही नहीं देती। दूसरी तरफ आनंद को भानु एक चिट्ठी भेजती है, उसमें लिखा होता है कि रात को शादी के बस में मुझसे मिलने के लिए आओ। जब आनंद उस बस में जाता है तो वहाँ पर एक वेडिंग कार्ड होता है। जब पहली बार इंदु और संजय की शादी होने वाली होती है ना वो वेडिंग कार्ड, तो आनंद को शक होने लगता है, जिसका मतलब इंदु और संजय की ऑलरेडी शादी हुई थी। इसी वेडिंग कार्ड के पीछे कुछ और बातें भी लिखी होती है कि तुम इंदु और संजय को जुदा नहीं कर सकते। यह पढ़ने के बाद आनंद को गुस्सा आकर अपने फर्स्ट नाइट के दिन इंदु के पास जाकर इसी के बारे में पूछने लगता है। इंदु अपना एक्सप्लेनेशन देने पर भी आनंद नहीं मानता। आनंद जाने के बाद आर्या यहाँ पर आता है और वेडिंग कार्ड में जो हैंड राइटिंग है, इस हैंड राइटिंग को देखकर पहचान लेता है, अरे ये हैंड राइटिंग तो वैष्णवी की है, मतलब मेरी बीवी की, जिसका मतलब ये सब कुछ वैष्णवी कर रही है। वैष्णवी ने ही भानु को शादी पर बुलाया। दूसरे दिन एक लेडी ट्यूशन टीचर को वो पत्ता पार्सल आता है, वही जो जैकफ्रूट में पाया गया था जहरीला पत्ता। थोड़ी देर के बाद जब पुलिस वाले उस ट्यूशन टीचर के घर जाते हैं तो वो औरत अपने आप को फांसी लगा चुकी होती है। दूसरी तरफ आर्या इंदु से कहने लगता है, ये सब कुछ मेरी वाइफ ही कर रही है वैष्णवी, हमने वैष्णवी को हमारे घर से बेदखल कर दिया, क्योंकि वैष्णवी किसी के साथ अफेयर में थी, वो प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन अब वैष्णवी इसका बदला ले रही है। इस तरह से रोने लगता है। इंदु आर्या को दिलासा दिलाने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त आनंद अपने कमरे में आने वाला होता है, तो इंदु और आर्या को एक साथ देखकर इन दोनों पर शक करने लगता है। उसके बाद आनंद की माँ आर्या के पास आकर पूछने लगती है कि इंदु को वैष्णवी के बारे में कैसे पता चला, तुम में से कोई भी इंदु को वैष्णवी का एड्रेस मत दो। लेकिन इंदु आर्या के कमरे में जाकर तलाशी लेकर वैष्णवी का एड्रेस हासिल कर ही लेती है। उसके बाद जब इंदु वैष्णवी के एड्रेस पर जाने के लिए जब ऑटो चढ़ने ही वाली होती है, तो एक औरत इंदु के पास आकर कहने लगती है, द डेविल्स ट्रम्पेट इज द एंजल्स ट्रम्पेट। ऐसा कहकर वो अनजान औरत वहाँ से चली जाती है। इंदु को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद जब वैष्णवी के एड्रेस पर जाती है तो पता चलता है कि वैष्णवी यहाँ पर अब नहीं रहती। इस तरफ जब आर्या आनंद को इंदु के बारे में पूछने लगता है कि भाभी कहाँ पर है, आनंद गुस्से में आकर कहने लगता है कि मुझे क्या पता वो कहाँ पर गई, और वैसे भी कल रात तुम दोनों एक ही कमरे में थे ना, तुमको ही पता होगा। इस तरह से आर्या पर शक करने लगता है। उसी रात भानु आनंद के घर आती है। आनंद से कहने लगती है कि तुम अपनी बीवी को थोड़ा कंट्रोल कर लिया करो, मैं भी अपने हस्बैंड को अपने कंट्रोल में लूंगी। आनंद यही सोचने लगता है कि इंदु और कितने लोगों के साथ अफेयर में है। उसी वक्त वो पुलिस वाले आनंद के घर आकर आनंद की फैमिली वालों को एक शॉकिंग न्यूज बताने लगती है कि आपकी छोटी बहू वैष्णवी की डेथ हो गई, उसने अपने घर में आत्महत्या कर लिया, अभी हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है। दूसरी तरफ आनंद का अंकल मतलब पद्मा का फादर एक पुराने बुक शॉप को रन करते रहता है। जब अपने दुकान को क्लीन कर रहा होता है तो पुरानी किताबें काफी सारे नीचे गिरने लगती है। इन्हीं किताबों में से हम एक और किताब को देखते हैं, पॉइजनस प्लांट्स इन इंडिया। दूसरी तरफ आनंद के घर में काम करने वाली औरत बहुत रोने लगती है वैष्णवी की मौत की खबर सुनकर। आनंद की माँ अपने काम वाली बाई को डांटने लगती है कि उसके मरने पर हमारी आंखों से ही आंसू नहीं टपक रहे, तो तुम क्यों इतना फूट फूट कर रो रही हो, मुझे लगता है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम ही कर रही हो, पहली फुर्सत में इसको बाहर ढकेल दो।
इस तरह से इसको काम से निकाल देती है। उसके बाद फैमिली वाले कुछ लोग वैष्णवी की लाश को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। इंदु भी वहाँ पर जाती है। इंदु आर्या से पूछने लगती है, अगर वैष्णवी प्रेग्नेंट थी तो वो अबॉर्शन करवा लेती ना, क्यों उसने अपने पेट में पलने दिया? और वैसे भी जब वैष्णवी प्रेग्नेंट थी तो वो क्यों आत्महत्या करेगी? कोई भी औरत प्रेग्नेंट होते हुए आत्महत्या नहीं करेगी, जरूर वैष्णवी को किसी ने मारा होगा। घर वापस आने के बाद इंदु को उस औरत की बातें याद आती है कि उस औरत ने क्या कहा था कि डेविल्स ट्रम्पेट इज द एंजल्स ट्रम्पेट। गूगल में सर्च करने पर उसी प्लान के बारे में दिखाया जाता है, जो जहरीला था ना उसी को इस नाम से बुलाते हैं। और इसी तरह इंदु ये सोचने लगती है कि अगर कल रात वैष्णवी मर गई थी तो वो औरत कौन थी जो मुझे नजर आई थी। उसके बाद इंदु आनंद के अंकल की दुकान पर जाकर उस प्लान के बारे में किताब ढूंढकर उसको पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस वाला आर्या को पुलिस स्टेशन बुलाकर कहने लगता है कि तुम्हारी बीवी ने आत्महत्या नहीं की, किसी ने उसके चेहरे पर पिल्लो रखकर मार दिया और इस चीज को आत्महत्या का रूप देने के लिए इसको फांसी लगा दिया। इस तरफ जब इंदु वापस अपने घर जाने लगती है तो इंदु को दोबारा वही औरत नजर आने लगती है जो कल नजर आई थी। इंदु इस औरत को फॉलो करने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो औरत गायब हो जाती है, इंदु को कहीं पर भी नजर नहीं आती। तभी इंदु एक घर पर शक करते हुए उस घर के पास जाकर पूछने लगती है, क्या इस घर में कोई लड़की आई थी? एक्चुअली ये कोई घर नहीं होता, लेडीज हॉस्टल होता है। वार्डन कहने लगती है कि वैष्णवी यहीं पर रहा करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी। आर्या नाम के एक बंदे ने ही वैष्णवी को यहाँ पर लाया था। ये सुनने के बाद इंदु शॉक में रह जाती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ पुलिस वाले आनंद के सारे फैमिली वालों को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं इंक्वायरी पर। इस तरफ जब इंदु वैष्णवी के रूम में जाती है तो उस रूम में वैष्णवी की फोटो होती है। ये देखकर शॉक में रह जाती है क्योंकि जो औरत इंदु को नजर आई थी वो और कोई नहीं वैष्णवी की आत्मा थी। इस तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर फैमिली वालों को एक एक को बुलाकर उनका बयान लेते रहता है। आर्या से पूछने लगता है कि तुमको कैसे पता चला कि वैष्णवी का अफेयर चल रहा था। आर्या कहने लगता है कि एक्चुअली मैं बिजनेस के कामों पर ज्यादा घर में नहीं रहता, कभी कभार एक या दो महीनों के बाद आता हूँ और इसी तरह मैंने वैष्णवी से इंटीमेट भी नहीं हुआ, तो ऐसे में वैष्णवी दो महीनों की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? और इसी तरह शादी से पहले वैष्णवी का एक बॉयफ्रेंड था। खैर थोड़ी देर के बाद इंदु पुलिस स्टेशन पर आती है, आर्या को साइड में बुलाकर कुछ बातें बताने लगती है कि पहले से ही तुम्हारे घर वाले बहुत ही मिस्टीरियस है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। अब तक घर में जो कुछ भी हुआ इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुमने ही ये सब कुछ किया, ये सब कुछ आखिरकार तुमने क्यों किया? आर्या भी कहने लगता है कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूंगा, बिना सबूत के आप मुझ पर शक कर रहे हो। इंदु कहने लगती है कि जल्द ही मैं सबूत भी इकट्ठा कर लूंगी। पुलिस वाले सारे फैमिली वालों को इंक्वायरी करके ये भी शॉक में रह जाते हैं कि ऐसा केस मैंने अपने करियर में नहीं देखा, बहुत ही मिस्टीरियस फैमिली है, केस के रिलेटेड मुझे एक भी क्लू नहीं मिला। इस तरह से आनंद की फैमिली को पुलिस स्टेशन से भेज देते हैं। जब सारे फैमिली वाले अपने घर जाने लगते हैं तभी इनके सामने एक गाड़ी आकर खड़ी है। सारे लोग इस कार में के बंदे को देखकर शॉक में रह जाते हैं। इस तरह से पहला सीजन खत्म होता है। अब अगले सीजन में पता चलेगा कि वैष्णवी को किसने मारा, आखिरकार वो जहरीला पत्ता कौन भेज रहा है। मेरे ख्याल से इस कार में पद्मा होगी क्योंकि इंदु ने कहा था कि इसने पद्मा को गाड़ी में अपने घर भिजवाया था, शायद पद्मा ही इनके सामने आ गई। कुछ भी हो सकता है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।